सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज संडे है और आज के जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 4 हफ्तों से हम पढ़ते आ रहे हैं संडे के दिन मास्टर वीडियो। ठीक है, मास्टर वीडियो का यूज़ क्या, पहले ये समझिए। मास्टर वीडियो से क्या होता है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्ट कर देगी, बल्कि ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। यदि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया तो आप खुद ही परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो मास्टर वीडियो है, ये बेसिकली डिपेंड है आपके कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए, और आपको चीज़ें अच्छी समझ में आएँ आने वाले समय में, चाहे आप कहीं से भी पढ़ें, ये उसके लिए यूज़फुल रहेगी। ठीक है, तो ये है मास्टर वीडियो का काम। हमने इससे पहले 2 मास्टर वीडियो कंप्लीट कर ली है, किस पर, बायोलॉजी पर। लगभग उसमें हमने 7 टॉपिकों को कवर किया है, 7 से 8 टॉपिकों को कवर किया है। आज की मास्टर वीडियो में भी हम 4-5 टॉपिक कवर कर लेंगे। एक मेरी गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, जितना भी हमारा नदी तंत्र है उसके ऊपर एक वीडियो है। लगभग वो 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है, आप उसे देखना। इतने अच्छे से मैप से मैंने समझाई हुई है, आप उसे एक बार देखना और देखने के बाद बताना आपको वीडियो कैसी लगी वो वाली। ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने पूरी नदियों को इतने डिटेल में कवर किया है विद क्वेश्चन आंसर, तो आप अच्छे से उसे देखना। ठीक है, जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन पर वो वीडियो लग जाएगी बाद में। तो आपका काम रहेगा इस वीडियो को एंड तक देखना, और आप 10 बजे लाइव जरूर आया करें, जिसके अंतर्गत हम टेस्ट लगाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। लगभग 25-30 क्वेश्चन रोज लगाते हैं, जिससे आपके 25-30 क्वेश्चन, यदि आप पूरी मेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन सुनोगे, आपके लगभग 150 क्वेश्चन तैयार होंगे एक 25 क्वेश्चनों से ही। आपको यकीन नहीं है तो आप 10 बजे आकर एक बार वीडियो जरूर देखना, आपको पता पड़ जाएगा कि हम कैसे एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बनाकर चल रहे हैं और बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम साथ की साथ में उसकी PDF नोट्स भी आपको देता चल रहा हूं, और एक PDF में मैं रोज अपडेट करके आपको देता रहता हूं, जिससे कि क्या होगा, आपके एग्जाम टाइम में आपके पास एक PDF होगी, आपके लगभग 3-4 हज़ार क्वेश्चन कवर होंगे, जो कि आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी सुना होगा और आपके पास क्वेश्चन भी होंगे, आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी रणनीति एग्जाम के लिए। तो आज की मास्टर वीडियो बेसिकली डिपेंड है बायोलॉजी के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके हमेशा से डाउट रहे होंगे। यकीन मानिएगा, इस वीडियो के बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अगर यदि आपके इसके क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो रात को आप जरूर 10 बजे लाइव आए, आपको पता पड़ेगी कि किस प्रकार हम अच्छे से डिटेल में चीज़ों को कवर कर रहे हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम इतने डिटेल से कवर कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। इसके नोट्स में वीडियो के बाद डाल दूंगा, हालांकि मैंने कंप्लीट बायोलॉजी के डाल दिए हैं, लेकिन मैं अपने और अच्छे वाले नोट्स आपके लिए दे दूंगा। तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक है वो है श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र। ठीक है ना, सबसे पहले हम इसे ही देखेंगे, श्वसन तंत्र क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे। बोर्ड पर लिखना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप डिटेल में समझते रहना जो मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। अभी श्वसन तंत्र, अभी नेक्स्ट डायग्राम बनाऊंगा, उसके अंतर्गत एक और हम लेक्चर करेंगे। ऐसे ही हम लगभग 5-6 टॉपिक कवर करने वाले हैं, आपको एंड तक वीडियो देखना है। ठीक है, तो श्वसन तंत्र में सबसे पहले हम समझ लेते हैं डायग्राम, डायग्राम क्या कहता है। उसके बाद हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे कि इनका यूज़ क्या है, बहुत अच्छे से डिटेल में। सबसे पहले आती है हमारी नोजल कैविटी, यानी नासा गुहा। नासा गुहा मतलब हमारी जो नाक है, इसके अंदर का ये रास्ता जो है, ये है नासा गुहा। ठीक है, उसके बाद आती है ग्रसनी। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी ग्रास नली, ग्रसनी, और उसके बाद ग्रास नली। उसके बाद आती है हमारी ग्लॉटिस, फिर एपिग्लॉटिस, फिर हमारा कंठ आता है, उसके बाद हमारी ये पूरी नली क्या है, वायु नलिका। क्या है? वायु नलिका। उसके बाद श्वास नलिका, श्वास नलिका ये वाला हिस्सा जो 2 भागों में बटा हुआ है, ये है श्वास नलिका। उसके बाद हमारे वायु कोश, ये छोटे छोटे अंगूर जैसे गुच्छे जो हैं, ये हैं वायु कोश। उससे ऊपर आपने देखा होगा, ये छोटे गुच्छे एक पतली सी लाइनों से जुड़े हुए हैं, ये हमारी सूक्ष्म नलिकाएं। क्या है? सूक्ष्म नलिकाएं। उसके नीचे हमारी क्या है, डायफ्राम, और ये जो हमारा कवरिंग है, ब्लैक कलर की बाहर वाली जो कवरिंग है, ये हमारी पल्मोनरी प्लूरा। ठीक है ना, पल्मोनरी प्लूरा, ये आपको याद रखनी है, ये इसकी सुरक्षा की दीवार है। किसकी? हमारे फेफड़ों की। ठीक है, एक एक चीज पर हम बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले नोज यानी हमारी नाक। नाक से क्या करते हैं, नाक करती है हमारे वायु को अंदर ले जाने का कार्य।
तो श्वसन तंत्र का सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, जहां से हमारा श्वसन तंत्र शुरू होता है? तो वो है हमारी नोज। नोज से हमारा श्वसन तंत्र शुरू होता है, ठीक है। नोज के बाद हम बात करते हैं नासा गुहा। नासा गुहा, नासा गुहा मतलब नाक का रास्ता। नासा गुहा मतलब नाक का रास्ता। जो आपको नाक का रास्ता दिख रहा है ये हमारा नासा गुहा, ठीक है। नासा गुहा का क्या काम है? नासा गुहा का काम है जो हमारी सांस है उसको गर्म करना, हमारी सांस को गर्म करना। देखिए आप कितने भी ठंडे मौसम में बैठे हो, लेकिन आप थोड़ी सी सांस लेकर अंदर और बाहर छोड़ना, वो सांस हमेशा गर्म निकलेगी। तो जो हमारी नासा गुहा होती है, इसका काम होता है हमारी सांस को गर्म करना, ठीक है ना। जो हम सांस अंदर की ओर खींचते हैं उसको गर्म करना। सेकंड काम होता है, इसके अंदर बाल पाए जाते हैं जिन्हें हम नाक के बाल या फिर सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिया, CILIA, सिलिया, ठीक है ना, सिलिया कहते हैं। तो इसके अंतर्गत, नासा गुहा के अंतर्गत हमारे बाल सिलिया पाए जाते हैं, जिसे हम नाक के बाल या फिर सिलिया कहते हैं। इन सिलिया को क्या क्या काम होता है कि जो हमारे अंदर वायु जा रही है वो अशुद्ध वायु है, तो उसे छानकर साफ करने का कार्य, छानकर साफ करने का कार्य जो होता है वो नासा गुहा का होता है। सेकंड जो चीज इसके अंतर्गत पाई जाती है वो होती है हमारी क्या? वो होती है हमारी श्लेष्मा। श्लेष्मा, श्लेष्मा यानी चिपचिपा जो पदार्थ होता है हमारी नाक में, वो होता है हमारा श्लेष्मा। श्लेष्मा का क्या कार्य होता है? श्लेष्मा का कार्य होता है जो सिलिया यानी नाक के बालों ने गंदगी रोकी, उसे चिपकाकर गोंद सी बनाकर हमारी नाक से बाहर निकाल देना, ठीक है। गोंद सी बनाकर उसे हमारी नाक से बाहर निकाल देना, ये होता है हमारे श्लेष्मा का कार्य, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज थी? नोज, जहां से हमारा श्वसन तंत्र शुरू होता है। श्वसन तंत्र शुरू होने का पहला जो पॉइंट है वो है हमारी नोज। उसके बाद आती है नासा गुहा यानी नाक का रास्ता। नाक के रास्ते में जो चीजें पाई जाती हैं, एक तो नाक का रास्ता क्या करता है, नासा गुहा क्या करती है कि हमारे जो वायु अंदर जा रही है उसे गर्म करती है और हमारे फेफड़ों को उससे आराम मिलता है। दूसरी चीज, इसके अंतर्गत सिलिया यानी नाक के बाल पाए जाते हैं। और नाक के बाल क्या कार्य करते हैं? तो नाक के बाल जो कार्य करते हैं वो है कि जो हमारे अंदर गर्म वायु जा रही है, यदि वो गंदी है तो उसके अंदर से साफ करना और गंदगी को रोक लेना, ये काम करते हैं हमारे सिलिया या फिर नाक के बाल। नेक्स्ट चीज इसके अंतर्गत पाई जाती है वो होती है हमारी श्लेष्मा यानी चिपचिपासा पदार्थ, ठीक है। वो चिपचिपासा पदार्थ क्या करता है? जो हमारे सिलिया यानी नाक के बालों ने गंदगी रोकी, उसे चिपकाकर, गोंद सी बनाकर, चिपकाकर बाहर निकालने का कार्य जो करता है वो करती है हमारी श्लेष्मा, ठीक है ना। तो सिलिया और श्लेष्मा हमारी कहां पर पाई जाती हैं? तो सिलिया और श्लेष्मा हमारी नासा गुहा के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रास नली। देखिए ग्रास नली क्या है? ग्रास नली हमारी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का हिस्सा है। ग्रास नली हमारी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का हिस्सा है। आपके यहां पर खाना रुकता होगा और आप प्रेशर से नीचे सटकते हैं, आपका ये वाला हिस्सा ऐसे इस प्रकार चौड़ता है, ठीक है ना, इस प्रकार चौड़ता है, तो यही है हमारी ग्रास नली। यही हमारी ग्रास नली यानी ग्रास नली का कार्य होता है कि इस प्रकार ग्रास नली है, यहां पर खाना आया और आपने जैसे प्रेशर लगाया तो इसका काम है चौड़ जाना और खाने को डायरेक्ट पेट में पहुंचा देना, ठीक है। ये काम है किसका? ग्रास नली का। दूसरा, यदि वायु आई है तो वायु को डायरेक्ट जाने देना, वायु को डायरेक्ट जाने देना किसका काम है? तो ग्रास नली का काम है। यानी ग्रास नली हमारी भोजन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का हिस्सा है, ठीक है। ग्रास नली हमारी भोजन और पाचन, मतलब पाचन का और श्वसन दोनों का हिस्सा है। क्या करती है ग्रास नली? ग्रास नली क्या करती है? हमारे ओपनिंग यानी हमारे वायु और जो हमारा खाना है उसे अंदर पहुंचाने का कार्य, उसके ओपनिंग और क्लोजिंग का कार्य करती है हमारी ग्रास नली। क्या कार्य करती है? ग्रास नली। आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पर भोजन का पाचन बिल्कुल भी नहीं होता। कहाँ पर? ग्रास नली में भोजन का पाचन बिल्कुल भी नहीं होता है। ये केवल क्लोजिंग और ओपनिंग पॉइंट होता है, किसके लिए? हमारी वायु के लिए यानी हमारे श्वास के लिए और हमारे भोजन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शरीर का अंग है जो कि हमारे पाचन और श्वसन दोनों का हिस्सा होता है? तो वो है हमारी ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली आपको समझ में आई होगी। इसके खुलने और बंद होने की क्रिया को कहते हैं क्रमानुकुंचन की क्रिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में क्रमानुकुंचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो हमारे शरीर में क्रमानुकुंचन की क्रिया जो होती है वो हमारी ग्रास नली में होती है। कहाँ पर? ग्रास नली में होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है एपिग्लॉटिस। क्या है? एपिग्लॉटिस। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा जो है ये है एपिग्लॉटिस, ये है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का क्या होता है? एपिग्लॉटिस क्या होता है? देखिए एपिग्लॉटिस इस प्रकार का, जैसे कि हमारा ये गला है तो हमारे गले में इस प्रकार एपिग्लॉटिस लगा हुआ होता है। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जैसे सांस आई तो सांस को तो जाने देना,
ठीक है, सांस को आराम से जाने देना। अगर भोजन आया तो इस प्रकार मुड़ जाएगा प्रेशर से और नीचे भोजन सीधा हमारे पेट में जाएगा, भोजन हमारे पेट में जाएगा। यानी जो हमारी एपिग्लॉटिस होती है ये क्या करती है कि ये इस प्रकार लगी हुई होती है, यदि सांस आएगी तो कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा इस पर और सांस को आराम से जाने देगा फेफड़ों तक, यदि खाना आएगा तो खाना प्रेशर डालेगा इस पर और ये इस प्रकार मुड़ जाएगा और खाना हमारा सीधा पेट में जाएगा। यानी जो एपिग्लॉटिस होता है ये क्या कार्य करता है, ये हमारी सांस जो हमारी वायु होती है उसे फेफड़ों तक पहुँचाना और खाने को पेट में पहुँचाना। यदि एपिग्लॉटिस नहीं होता हम तो हमें फंदा लगता, फंदा मतलब कि हमें धसका लगता, धसका का मतलब क्या होता है आपने देखा होगा, खाना खाते हैं आप, खाना खाते समय यदि आप बोलते हैं, आपने सुना होगा घर के बड़े कहते हैं कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, उनका रीज़न ये है यदि आप खाना खाते समय बोलेंगे तो आपके अंदर सांस भी जाएगी, वायु भी जाएगी मुंह के थ्रू, जब वायु जाएगी खाना जाएगा तो हमारा जो एपिग्लॉटिस है ये कन्फ्यूज हो जाएगा कि ये नाक वाली वायु है या मुंह वाली वायु है, जिससे कि एपिग्लॉटिस खाने के साथ खुलेगा और वायु खाने के साथ हमारे पेट में चली जाएगी और हमें धसका लगेगा और हम खांसने लगेंगे। ठीक है, तो ये कार्य होता है एपिग्लॉटिस का। एपिग्लॉटिस क्या कार्य करता है, तो एपिग्लॉटिस करता है हमारा खाने को और वायु को, यानी वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना और खाने को हमारे पेट तक पहुंचाने का कार्य हमारा एपिग्लॉटिस करता है। ठीक है, एपिग्लॉटिस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंठ। कंठ यानी हमारा ये वाला हिस्सा जो है, ये है हमारा कंठ, यही तो है कंठ। ठीक है, कंठ के आपने देखा होगा बहुत से जो लड़के होते हैं उनका ये वाला हिस्सा आगे की ओर निकला हुआ होता है, नोक से निकली हुई होती है, उस पर हम अभी बात करेंगे आखिर वो क्यों निकलती है। देखिए ये हमारा कंठ, ठीक है ना, रेड वाला कंठ है, इसके चारों तरफ जो है ये परत पाई जा रही है, ये है कार्टिलेज की परत, कार्टिलेज की परत। ठीक है, ये क्या है, कार्टिलेज की परत है, जिसे कहते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। जो आपने लड़कों के आगे निकला हुआ ये हिस्सा देखा होगा, ये क्या होता है, ये एडम्स एप्पल होता है और ये हमारे कंठ के चारों ओर परत पाई जाती है। जिसके ज़्यादा परत पाई जाती है उसका ये वाला हिस्सा निकला हुआ होता है और जिसके कम परत पाई जाती है तो उसका हिस्सा ये वाला सपाट होता है। एक और बात आपको याद रखनी है, ये जो एडम्स एप्पल होता है ये लड़कों में 99% पाया जाता है, मतलब यदि किसी में पाया जाएगा तो लड़कों में सर्वाधिक, यदि बात करें लड़कियों की तो लड़कियों में ना के बराबर पाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम मानते हैं केवल लड़कों में ही एडम्स एप्पल पाया जाता है, क्योंकि लड़कियों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। आप 100 में से 200 में से एक लड़की को ही देखेंगे जिसका एडम्स एप्पल निकला हुआ होगा, लेकिन लड़कों में आप अधिकतर देखेंगे उनका एडम्स एप्पल निकला हुआ होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एडम्स एप्पल पर। तो हमारा कंठ, कंठ के चारों ओर कार्टिलेज की परत पाई जाती है, ये कार्टिलेज की परत पाई जाती है, इस कार्टिलेज की परत को ही एडम्स एप्पल कहते हैं और ये जो कार्टिलेज की परत है यही होता है हमारा निकला हुआ नोक, नोक जो निकली हुई होती है गले में, यही होता है एडम्स एप्पल। ठीक है, एडम्स एप्पल। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस हमने पढ़ लिया जो कि हमारे सांस को और हमारे खाने को अलग अलग भेज रहा था। अब बात करते हैं ग्लॉटिस क्या होता है। ग्लॉटिस को आप इस तरीके से समझिए कि हमने कुछ बोला, यदि मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है वो सबसे बड़ा कार्य कर रही है ग्लॉटिस। क्या कर रही है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस क्या है, मैंने बोला तो हमारे ये ग्लॉटिस एक पन्ना सा होता है, ठीक है ना, इस प्रकार का मान लीजिए ग्लॉटिस है, मैंने बोला इस ग्लॉटिस से इस प्रकार टकराया, वायु टकराई और इसने आवाज़ की ध्वनि उत्पन्न की और वो आवाज़ आप तक सुनाई दे रही है। सीधे सीधे शब्दों में आप ये समझिए, आपके पास एक घंटी है और घंटी में नीचे जो निकला हुआ होता है, ठीक है, नोक जो निकली होती है जो कि अंदर बचती है, तो जो नोक निकली हुई होती है घंटी के अंदर वो है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस यदि ग्लॉटिस नहीं होगी तो आप घंटी को बजा नहीं पाएंगे। ठीक है, यदि ग्लॉटिस नहीं होगी तो आप घंटी को बजा नहीं पाएंगे। तो वो जो घंटी में जो नोक अंदर की ओर निकली हुई होती है जो कि जब हम हिलाते हैं वो बजती है, टकराती है, तो वही हमारी ग्लॉटिस। यानी जो हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो वो हमारी वायु जाकर हमारे ग्लॉटिस से टकराती है और ग्लॉटिस हमारा गति करने लगता है, गति करने के साथ साथ ध्वनि उत्पन्न करता है और वो ध्वनि ही आप तक सुनाई जो दे रही है वो वही ध्वनि है। ठीक है, तो ग्लॉटिस का क्या कार्य करता है, तो ग्लॉटिस करता है हमारे जो हम बोलते हैं उसे ध्वनि देना, ठीक है ना, उसे ध्वनि देना, उसे तरंगे देना, किसका कार्य होता है, ग्लॉटिस का कार्य होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैकिया। किस पर बात करते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, आपको विंड पाइप दिख रहा है ना, विंड पाइप, यही हमारा ट्रैकिया यानी हमारी श्वास नलिका, ठीक है ना, ये वाली श्वास नलिका जो है हमारी, ये है ट्रैकिया, ये वाला हिस्सा ट्रैकिया। ठीक, तो ट्रैकिया आप समझ सकते हैं, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये हमारा ट्रैकिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस पर, सूक्ष्म श्वास नलिका। सूक्ष्म श्वास नलिका से पहले आप एक चीज समझिए, ये वाला क्या, श्वास नलिकाएं क्या है। देखिए जो हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया या फिर विंड पाइप, क्या क्या कह सकते हैं हम, विंड पाइप,
ट्रेकिया या फिर विंड पाइप, जो हमारी ट्रेकिया या फिर विंड पाइप है उसको दो भागों में बांटने का कार्य, उसको दो भागों में बांटने का कार्य जो करती है वो हमारी श्वास नलिका करती है। यानी ये वाला हिस्सा भी श्वास नलिका है और ये वाला हिस्सा भी श्वास नलिका है, ठीक है। जब हमारी ट्रेकिया यानी हमारा विंड पाइप दो भागों में बट जाता है, एक भाग जो हमारा लेफ्ट हैंड, दूसरा भाग जो हमारा राइट हैंड पर चला जाता है, तो ये लेफ्ट हैंड वाला हिस्सा और राइट हैंड वाला जो ये पाइप हैं दोनों, ये वाले जो पाइप हैं दोनों, ये कहलाते हैं हमारे श्वास नलिका। क्या कहलाते हैं? श्वास नलिका, ठीक है ना। जहां पर हमारा विंड पाइप इस तरीके से दो हिस्सों में बट जाता है इस प्रकार, तो ये दो जो हिस्से हैं ये हैं हमारे क्या? श्वास नलिका। उसके बाद हम बात करते हैं सूक्ष्म श्वास नलिका। सूक्ष्म श्वास नलिका यानी अब हमारी श्वास नलिका भी छोटे छोटे भागों में डिवाइड होगी, उसे कहा जाएगा सूक्ष्म श्वास नलिकाएं। जैसे कि आपने देखा ये था हमारे श्वास नलिकाएं, अब आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे, आपको ये दिख रहे होंगे ये वाले हिस्से जिनसे दाने से जुड़े हुए हैं, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा और इसमें ये वाले हिस्से जो हैं, ये जो जुड़े हुए हैं, ये हमारी सूक्ष्म श्वास नलिकाएं। क्या है? सूक्ष्म श्वास नलिकाएं। ये क्या करती हैं? जो हमने सांस यानी ऑक्सीजन ली उसे हमारे फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, फेफड़ों के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य। मान लीजिए हमारा विंड पाइप हमारा एक ट्रक हुआ और जो विंड पाइप हमारा ट्रक हुआ, ठीक है। अब समझिए जो हमारी श्वास नलिका है वो एक गाड़ी हुई जो कि छोटे रास्ते से निकल सकती है। अब आप समझिए कि ये सूक्ष्म श्वास नलिकाएं ये हुई हमारी बाइक, ठीक है ना, जो सामान को छोटी छोटी गलियों से भी ले जा सकती हैं। जो गाड़ी होगी वो थोड़े चौड़े रास्ते से ले जा सकती है और जो हमारा विंड पाइप यानी ट्रक होगा वो बड़े हाईवे पर ले जा सकती है। तो वही है, जो बड़े हाईवे पर श्वास चल रही थी वो थी हमारी विंड पाइप, जो थोड़े छोटे हिस्सों में बटी वो हुई हमारी गाड़ी यानी श्वास नलिका, सूक्ष्म श्वास नलिका यानी हमारी बाइक जो कि हमारे सामान को छोटे छोटे स्थानों तक पहुंचाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वायु कोश। हमारे श्वसन की इकाई जो है वो है हमारी वायु कोश। वायु कोश हमारे श्वसन की इकाई है। वायु कोश क्या है? ये आपको अंगूर के समान जो संरचना दिखाई दे रही है, जो आपको अंगूर के समान की जो संरचना दिखाई दे रही है, यही है हमारी क्या? वायु कोश। वायु कोश का काम क्या होता है? वायु कोश का काम होता है कि एक तरीके से ये समझिए ये एक रुई की तरह कार्य करती है। यानी वायु आई उसे हमारे शरीर के अंदर सभी जगह फैलाने का कार्य जो करती है वो क्या करता है? वो करता हमारी वायु कोश। यानी इन गुच्छों में हमारी ऑक्सीजन भर जाती है और हमारे ब्लड को साफ करती है, ठीक है ना। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिला दिए जाते हैं वायु कोश के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड को ये वायु कोश खींच लेते हैं और हमारा ब्लड साफ हो जाता है, ठीक है। तो ये वायु कोश क्या करते हैं? ये वायु कोश करते हैं किसका कार्य? वायु कोश एक रुई के कार्य समान कार्य करते हैं, जो कि हमारे ऑक्सीजन को कंज्यूम करके हमारे सभी स्थानों पर पहुंचा देती है, हमारे फेफड़ों के, और हमारे फेफड़ों में जो ब्लड होता है उसमें उस ऑक्सीजन को मिला देती है और ऑक्सीजन मिलने के बाद हमारा ब्लड शुद्ध हो जाता है। उस शुद्ध ब्लड को हम शरीर के अंगों में पहुंचा दिया जाता है किसके द्वारा? हृदय के द्वारा, पंप करके, ठीक है ना, पंप करके। तो हृदय हमारा पंपिंग का कार्य करता है जबकि फेफड़े हमारे शुद्धिकरण का कार्य करते हैं हमारे ब्लड का। पूछा जाए ब्लड को फिल्टर करने का कार्य कौन करता है? तो ब्लड को फिल्टर करने का कार्य हमारी किडनी करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंग्स, ठीक है। लंग्स जो होते हैं यानी फेफड़े जो होते हैं हमारे किस किस से मिले होते हैं, मिलकर बने होते हैं? तो फेफड़े जो होते हैं, देखिए आप देखो ये हमारा फेफड़ा है और फेफड़े में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। देखिए फेफड़ा ना तो हमारा विंड पाइप से मिलकर बना होता है, ना ग्लॉटिस, ना एपिग्लॉटिस, ना कंठ, ना ग्रास नली, ना नासा हुआ, ना नाक से बना हुआ होता है। जो फेफड़ा हमारा मिलकर बना होता है, एक तो हमारा बना होता है श्वास नली का, आप देख सकते हैं, एक तो बना होता है हमारा श्वास नली का से मिलकर, ठीक है, श्वास नली का। सेकंड जो मिलकर बना होता है सूक्ष्म श्वास नली का, सूक्ष्म श्वास नली का। और तीसरा कौन क्या है हमारा? तीसरा है हमारा वायु कोश, वायु कोश, ठीक है। जो हमारा फेफड़ा है, पहली चीज तो किससे मिलकर बना है? श्वास नली का। दूसरा सूक्ष्म श्वास नली का, तीसरा वायु कोश। यानी फेफड़ा हमारा तीन चीजों से मिलकर बना होता है, श्वास नली का, सूक्ष्म श्वास नली का और वायु कोश। वायु कोश हमारे श्वसन की इकाई है, वायु कोश हमारे श्वसन की इकाई है, ठीक है।
और हमारे लंग्स क्या कार्य करते हैं, तो हमारे लंग्स जो होते हैं, हमारी वायु आई, उसके बाद वायु हमारी श्वास नलिका में गई, उसके बाद हमारी सूक्ष्म श्वास नलिका में गई, सूक्ष्म श्वास नलिका के बाद पहुंची हमारी वायु कोष में, वायु कोष ने उसे फेफड़ों में पहुंचा दिया, और फेफड़ों में रक्त को शुद्ध करने का कार्य जो होता है वो फेफड़े करते हैं, ठीक है, फेफड़े रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, ये आप अपना देखिए, जहाँ पर हमारे ये ख़त्म होते हैं, ठीक है ना, हमारे फेफड़े ये वाले हिस्सा ख़त्म होता है, उसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये हमारा डायफ्राम, ठीक है, ये हमारा डायफ्राम। आप बाहर की ओर सांस छोड़िए, बाहर की ओर सांस छोड़िए तो आपका डायफ्राम फैल जाएगा, यदि आप ऊपर की ओर सांस खींचेंगे तो आपका डायफ्राम जो है सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो डायफ्राम जो होता है ये हमारे फेफड़ों को फैलाने का और सिकोड़ने का कार्य करता है, यानी ये प्रेशर जनरेट करता है। मान लीजिए डायफ्राम नहीं होते, ये डायफ्राम नहीं होता तो हमारे जो सांस लेते हैं तो हमारा ये वाले छाती फूलती नहीं और अंदर की ओर जाती नहीं, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला स्थान डायफ्राम स्ट्रेचल नहीं होता। तो ये होता है हमारा डायफ्राम। जैसे कि हम बाहर की ओर सांस छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े चौड़ते हैं तो डायफ्राम भी चौड़ता है, ठीक है। यदि हम सांस अंदर की ओर खींचते हैं तो हमारा डायफ्राम भी सिकुड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारे फेफड़े सिकुड़ते हैं। तो जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम का कार्य होता है हमारे फेफड़ों को स्थान प्रदान करना श्वसन के लिए, यानी उसे चौड़ाना और उसे सिकोड़ने का कार्य हमारा डायफ्राम करता है। क्या करता है? डायफ्राम करता है, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, हमारे श्वसन तंत्र। अब बात करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा बाहर की ओर जो कवरिंग पाई जा रही है इसे कहते हैं पल्मोनरी कवरिंग, पल्मोनरी प्लूरा या फिर पल्मोनरी फुसफुस प्लूरा, इन नामों से इसे जाना जाता है। तो पूछा जाएगा कि फेफड़ों के चारों तरफ जो हमारी कवरिंग पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो फेफड़ों के चारों ओर जो कवरिंग पाई जाती है उसे कहते हैं हम पल्मोनरी प्लूरा या फिर पल्मोनरी कवरिंग, ठीक है। तो ये था हमारा फेफड़े, यानी हमारे किस प्रकार फेफड़े कार्य करते हैं और हम किस प्रकार फेफड़ों पर सांस लेते हैं और हमारा रक्त शुद्ध होता है, ठीक है। अब हम एक बार समझ लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा, क्योंकि रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। रिकॉल करने से आपको चीज़ें यहीं पर याद हो जाएंगी, आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने समझा नोजल कैविटी, उससे पहले हमने समझा नाक, यानी ऊपर का ये जो हिस्सा ये हमारी नाक है, और जो अंदर का हिस्सा है यानी अंदर का रास्ता है ये है हमारी नासा कैविटी या फिर नोजल कैविटी, जिसे कहते हैं नासा गुहा। नासा गुहा के अंदर हमारी सिलिया यानी नाक के बाल और श्लेष्मा पाए जाते हैं। सिलिया क्या करता है, हमारे शुद्ध वायु को शुद्ध करके अंदर पहुंचाता है और हमारी वायु को गर्म करता है। और श्लेष्मा क्या होता है, नाक के अंदर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो कि हमारी गंदगी को लबेड़ कर उसे इकट्ठा करके बाहर निकालने का कार्य क्या करता है, श्लेष्मा करता है। उसके बाद हमने बात की ग्रास नली। ग्रास नली हमारे श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का भाग होती है। क्या, श्वास ग्रास नली। ग्रास नली क्या करती है, क्लोजिंग और ओपनिंग पॉइंट का कार्य करती है, यानी जब हम खाना खाते हैं और हम एक साथ सटकते हैं उसे तो प्रेशर से जो नीचे जाता है तो इस प्रकार जो खुलता है हमारा गला वो है हमारी क्या, ग्रास नली। तो ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, आपको याद रखना है, और ग्रास नली हमारे पाचन और श्वसन दोनों का भाग है, ठीक है। और ये केवल ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट है, जो खुलता और बंद होता है, इस क्रिया को क्रमानुकुंचन की क्रिया कहते हैं। यदि पूछा जाए कि क्रमानुकुंचन की क्रिया हमारे शरीर के किस भाग में होती है, तो क्रमानुकुंचन की क्रिया हमारे शरीर के ग्रास नली में होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, एपिग्लॉटिस हमारे दो कार्य करता है, एक तो हमारी हवा को फेफड़ों में पहुंचाना और हमारे खाने को पेट में पहुंचाना, दोनों को अलग अलग रास्ता देने का कार्य हमारा एपिग्लॉटिस करता है। इस प्रकार होता है, यदि इस पर भार पड़ेगा तो खाना होगा सीधी सी बात और पेट में जाएगा, यदि यहाँ पर वायु होगी तो वो सीधी फेफड़ों में जाएगी, ये खुलेगा नहीं, ठीक है, ये खुलेगा नहीं, ठीक। तो ये होता हमारा क्या, एपिग्लॉटिस। इसीलिए एक छोटी सी गोली की भी खाओगे आप तो वो भी पेट में जाएगी, क्योंकि गोली भी इतना दबाव बनाती है, ठीक है। एपिग्लॉटिस जो होता है, इसीलिए कहा जाता है खाते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम खाते समय बोलेंगे तो खाने के साथ हमारी वायु अंदर जाएगी और एपिग्लॉटिस खुल जाएगा, जिसके कारण वायु हमारे पेट में पहुंच जाएगी और हमें धसका लगेगा, हमें खांसी उत्पन्न होगी, हमें फंदा लग सकता है, जिससे मौत तक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस पर, कंठ पर। जो हमारा कंठ होता है उसके चारों ओर नीले कलर की जो कार्टिलेज की परत पाई जाती है, इसे एडम्स एप्पल कहते हैं। जो लड़कों में आगे की ओर नोक निकली हुई होती है, यही एडम्स एप्पल होती है, जो कि कंठ के चारों ओर एक कार्टिलेज की परत होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने बात की ग्लॉटिस।
ग्लॉटिस क्या होता है? ग्लॉटिस होता है जो हम बोल रहे हैं वो ग्लॉटिस से टकराता है और ग्लॉटिस गति करने लगता है, ग्लॉटिस हिलने लगता है, जिससे वो आवाज़ करता है और वो आवाज़ ही सामने वाले को सुनाई देती है। आपका भी बोलना और अपने इस गले पर उंगली रख के देखिए, यहाँ पर गुनगुनाहट उत्पन्न होगी, यहाँ पर गुनगुनाहट उत्पन्न होगी। तो वो जो गुनगुनाहट उत्पन्न हो रही है वो हमारा ग्लॉटिस हिल रहा है, वो हमारा ग्लॉटिस हिल रहा है, ठीक है ना, वो गूंज रहा है अंदर, तो वही है ग्लॉटिस, ठीक है। तो ग्लॉटिस क्या है हमारा? तो ग्लॉटिस हमारा हमें ध्वनि प्रदान करता है, जो हम बोलते हैं उसे ध्वनि प्रदान करता है। यदि आप घंटी के अंदर वो घंटी का छोटा वाला हिस्सा जो अंदर की ओर होता है वो नहीं लगाएंगे तो कभी घंटी बजेगी नहीं, तो ग्लॉटिस भी हमारा वो घंटी का छोटा वाला हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है हमारा विंड पाइप जो होता है उसे ही ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है ना। ट्रैक यानी रास्ता, तो यही तो हमारी रास्ता है, ठीक है ना। तो ट्रैकिया का होता है ये विंड पाइप ही ट्रैकिया होता है। उसके बाद हमने समझा श्वास नली। श्वास नली का जो होती है ये हमारे ट्रैकिया को दो भागों में बांटती है। पहला जो पाइप चला जाता है वो लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट फेफड़ों में, एक राइट फेफड़ों में चला जाता है, इसे ही कहते हैं श्वास नली का। उसके बाद श्वास नली का फिर छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं सूक्ष्म श्वास नली का, ठीक है। सूक्ष्म श्वास नली का क्या करती है, ये गुब्बारे से बने हुए होते हैं जिन्हें वायु कोष कहते हैं, इनमें जाकर ऑक्सीजन को छोड़ देती है। और वायु कोष यही होते हैं जिसे हम कहते हैं हमारे श्वसन की इकाई। ये वायु कोष अपने अंदर ऑक्सीजन को रख लेते हैं और फेफड़ों में फैला देते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाती है और हमारा ब्लड शुद्ध हो जाता है, जिसे हृदय पंपिंग के द्वारा हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंचा देता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की फेफड़ों पर। फेफड़े हमारे मुख्य रूप से तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं, श्वास नली का, सूक्ष्म श्वास नली का, ठीक है, और हमारे वायु कोष, तीनों से मिलकर बना हुआ होता है हमारा फेफड़ा। और हमारे खून में ऑक्सीजन मिलाकर शुद्ध करने का कार्य हमारे फेफड़ों का होता है, जबकि फिल्टर करने का कार्य यानी टॉयलेट को अलग करने का कार्य और हमारे ब्लड को साफ करने का कार्य किडनी का होता है। किसका होता है? किडनी का होता है। नेक्स्ट हमने बात की डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है हमारे ये फेफड़ों के नीचे वाला हिस्सा जो होता है ये डायफ्राम होता है। जब हम सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं हमारा डायफ्राम चौड़ जाता है, यदि हम सांस को ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमारा डायफ्राम सिकुड़ जाता है। तो डायफ्राम जो होता है हमारे फेफड़ों को स्थान प्रदान करता है कि हम सांस ले सकें और छोड़ सकें, तो डायफ्राम का भी बहुत बड़ा कार्य होता है। दूसरा, डायफ्राम जो है हमारे ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से को बांटता है, यानी पूछे कि हमारे शरीर को दो भागों में अलग करने का कार्य कौन करता है, तो वो हमारा डायफ्राम करता है, ठीक है। ये हमारे एक हिस्से को ऊपर की ओर बांट देता है, एक हिस्से को नीचे की ओर बांट देता है, यानी पार्टीशन का काम जो हमारे शरीर में करता है कोई अंग, तो वो हमारा डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और चीज, इसके चारों ओर जो परत पाई जाती है, फेफड़ों के चारों ओर ये परत पाई जाती है, इसे कहते हैं पल्मोनरी प्लूरा, ठीक है ना, है पल्मोनरी प्लूरा। और ये फ्लूड जो पाया जाता है ये सुरक्षा का फ्लूड होता है, यानी कोई बाहर से आघात आए, बाहर से कोई प्रेशर जाने, आप बाहर से कोई घुसा मारे तो ये उससे प्रेशर को जनरेट कर सके, ठीक है, टूटे ना। यदि ये लिक्विड नहीं होता, यदि ये लिक्विड नहीं होता तो हमारे घुसे फेफड़े टूट जाते, ठीक है ना, ये आगे पीछे की ओर दबते नहीं, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे इस फ्लूड का जो भरा हुआ होता है बीच में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। जो स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, आपका एक लाइक हो सकता है बहुत ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाए। दूसरा, वीडियो को शेयर कर देना, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है सभी पर शेयर कर देना। और जो चैनल पर नए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको पता पड़ जाएगा आने वाले समय में किस प्रकार का यहाँ पर कंटेंट मिलने वाला है। नोट्स की टेंशन मत लेना, इसके नोट्स मैं तुरंत वीडियो के बाद डाल दूंगा, ठीक है, आप केवल एंड तक वीडियो देखें। दूसरी बात, रात को 10 बजे जरूर, आज रात 10 बजे जरूर टेस्ट लगाने आना, जिसके अंतर्गत हम लगभग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। किसके ऊपर? जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिटेल में 100 क्वेश्चन करने के बाद आपके 400 क्वेश्चन कवर होंगे प्रीवियस ईयर, यकीन मानिएगा। आप जरूर आना लाइव, ठीक है ना, लाइव जरूर आना। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है, इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना आप। उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो मेरी वीडियो आएगी, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है मानव दांत। मानव दांत से भी आपने देखा होगा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसीजर, ठीक है, रदनक, चवर्णक, अर्ध चवर्णक, परमानेंट टीथ, ठीक है ना, और हमारे टेम्परेरी टीथ, ऐसे कौन से दांत हैं जो जिंदगी में दो बार आते हैं, उनकी संख्या कितनी है, ठीक है ना, हमारा इस शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, डेंटाइन क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है दांत से रिलेटेड, उसे हम अब कवर कर लेते हैं कि आखिर हमारे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं मानव दांत से, ठीक है। पूरी बायोलॉजी को इसी प्रकार छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे,
ताकि आप ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर सकें किसी और से भी, और एग्ज़ाम में आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ सकें क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने की। यही मेरा उद्देश्य है मेन, कि आप छोटे छोटे टॉपिक्स में अपनी पूरी बायोलॉजी को नहीं बल्कि फिजिक्स केमिस्ट्री जितने भी टॉपिक होंगे सभी को छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स में पढ़ेंगे जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। वरना ज़्यादा डाउट रहेंगे यदि मैं एक ही चैप्टर को, ठीक है ना, बड़े चैप्टर को एक वीडियो में पढ़ा दूँ, ठीक है। तो इसलिए हम छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट कर पढ़ रहे हैं और डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है वो है हमारा मानव दांत, ठीक है। सबसे पहले मानव दांत की संरचना देखते हैं कि मानव दांत की संरचना किस प्रकार होती है। देखिए, मानव दांत है जो आपको सफ़ेद कलर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये बना हुआ होता है डेंटाइन से। किससे? डेंटाइन से बना हुआ होता है। और जो आपको सफ़ेद वाला हिस्सा दिखाई देता है इसे कहते क्राउन है। क्या कहते हैं? इसे कहते क्राउन है, लेकिन बना हुआ होता है डेंटाइन का, ठीक है। उसके बाद हम नीचे की ओर जाते हैं, जो हमारे मसूड़े में अंदर धंसा हुआ होता है यानी फिक्स्ड होता है, उसे कहते हैं हम निक। क्या कहते हैं? निक, जो कि हमारे मसूड़े में घुसा हुआ दांत का हिस्सा होता है। यदि आपने देखा हो, जब दांत टूटता है तो थोड़ा सा हिस्सा दांत का नीचे की ओर भी धंसा हुआ होता है, जिसे निक कहते हैं, जो कि हमारे मसूड़े में धंसा हुआ होता है, ठीक है ना। मसूड़े में फिक्स रहता है तभी हम दांतों को चला पा रहे हैं, चबा पा रहे हैं, ठीक है। वो कौन सा हिस्सा है जो हमारे मसूड़े में अंदर दबा हुआ है? तो वो हमारा निक। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मसूड़े में अंदर धंसा हुआ दांत का कौन सा हिस्सा होता है? तो वो हमारा निक होता है। और ऊपर उभरा हुआ सफ़ेद कलर का वो कौन सा हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है? तो वो है हमारा क्राउन, ठीक है ना। क्राउन किसका बना हुआ होता है? तो क्राउन हमारा डेंटाइन का बना हुआ होता है, जो कि सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। इसी कारण हमारा दांत डेंटाइन का बना हुआ होता है, ठीक है। और इसी कारण दांत के स्पेशलिस्ट जो होते हैं, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है, डेंटल, इसी कारण कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारा दांत डेंटाइन का बना हुआ होता है और जो हमें हिस्सा दिखता है सफ़ेद वाला, उसे क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। और क्राउन के आसपास एक कवरिंग पाई जाती है, क्राउन के आसपास एक कवरिंग पाई जाती है जिसे हम इनामेल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। जो हमारा इनामेल होता है वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। सबसे कठोर पार्ट कौन सा होता है? दांत का इनामेल, ठीक है ना, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, इनामेल, ठीक। जो हमारी ये नीचे की ओर निकले हुए होते हैं रूट, इन्हें कहते हैं जड़। यही जड़ हमारे दांत को हमारे मसूड़े में अंदर की ओर दबाए हुए होती हैं। दांत उखड़ता है तो आपने देखा होगा नीचे लाल कलर की एक रुई से, धागे से की संरचना पाई जाती है दांतों में, तो वही होती है हमारी जड़ें। ये जड़ें ही हमारे मसूड़े में हमारे दांत को दबाए हुए रखती हैं, यानी हमारे निक को हमारे मसूड़े में दबाए हुए रखती हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा क्राउन अच्छे से काम कर सके, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे दांत मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले इंसीजर यानी कृंतक, दूसरे हमारा कैनाइन यानी रदनक, तीसरा हमारा प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक, लास्ट हमारा मोलर यानी चवर्णक। जो हमारे कृंतक होते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं कटिंग के, कौन से? कटिंग के काम करते हैं। जो हमारे आगे वाला हिस्सा होता है ये होता है हमारा कृंतक, ठीक है ना। बात करें हमारा रदनक जो होता है ये फाड़ने का काम करते हैं। आपने देखा आप कोई चीज़ फाड़ते हैं तो इस प्रकार दांत को कोने में लेकर जाते हैं, तो ये वाले दांत जो होते हैं ये होते हैं हमारे कौन से? ये होता हमारे रदनक। बात करें अग्रचवर्णक और चवर्णक की, तो चवर्णक और अग्रचवर्णक हमारे ये वाले हिस्से होते हैं, ठीक है ना। इस वाले हिस्से में पाए जाने वाले दांत जो होते हैं वो हमारे चवर्णक और अग्रचवर्णक होते हैं। चवर्णक और अग्रचवर्णक, जैसे नाम से पता है चवर्णक यानी चवाना, तो चवाने का कार्य जो करते हैं वो हमारे कौन से दांत करते हैं? अग्रचवर्णक और चवर्णक जो होते हैं हमारे खाने को चवाने का कार्य करते हैं, ठीक है। बात करें कृंतक की, तो कृंतक हमारे फाड़ने का काम करते हैं। जब कोई चिकन वगैरह खाता होगा आपने देखा होगा वो इस तरीके से अपने दांतों के आगे वाले हिस्से से खींचता हुआ आपको दिखाई देगा, या फिर कुछ भी आपने कुत्ता भी देखा होगा मांस खाता हुआ तो अपने आगे वाले हिस्से, दांत के आगे वाले हिस्से से खींचता है, ठीक है ना। तो ये आगे वाला हिस्सा जो होता है ये किसका काम करता है? तो ये कटिंग का कार्य करता है। किसका? कटिंग का कार्य करता है। बात करें फाड़ना, यदि कोई आप चीज़ फाड़ेंगे, किसी पन्नी को फाड़ते हैं तो अपने दांत के कोने में लेकर जाते हैं, तो ये कोने वाले दांत जो होते हैं ये कहलाते हैं हमारे रदनक। अग्रचवर्णक और चवर्णक ही हमारे साइड वाले दांत होते हैं और ये खाने को चवाने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ। जो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं यह इनकी संख्या 20 होती है, ठीक है ना, और ये 20 दांत हमारे
सात से लेकर दो साल के बीच में निकलते हैं कंप्लीट, और हमारे संगी 14 साल तक, 12 से 14 साल तक साथ रहते हैं, ठीक है, 12 से 14 साल तक साथ रहते हैं। फिर 14 साल के बाद जो दांत निकलते हैं वो कहलाते हैं हमारे परमानेंट टीथ, ठीक है ना। हमारे जो टेम्परेरी टीथ होते हैं उनकी संख्या 20 होती है, बाकी के हमारे शेष कितने दांत बचे, तो बाकी के हमारे 12 शेष दांत बचे। तो जो 12 से 14 साल के बाद जो हमारे दांत निकलेंगे, 12 शेष दांत और हमारे पहले के 20 दांत मिलकर हमारे जो कंप्लीट 32 दांत बनाएंगे वो कहलाते हैं हमारे परमानेंट टीथ, ठीक है। तो जो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं उनकी संख्या 20 होती है, जो कि हमारे 7 महीने से लेकर 2 साल तक के बीच निकलते हैं और 12 से 14 साल तक हमारे संग रहते हैं, जिन्हें दूध के दांत भी कहा जाता है। बच्चों में आपने सुना होगा दूध के दांत उखड़ गए, ठीक है ना, दूध के दांत निकल आए, तो 7 महीने से पहले नहीं निकलते हैं, 2 साल के बाद तक नहीं निकलते हैं, 7 महीने से लेकर 2 साल के बीच में दांत निकलते हैं, ठीक है, और रहते कब तक हैं, तो ये रहते हैं 12 से 14 साल तक, ठीक है। 12 से 14 साल के बाद जो हमारे शेष 12 दांत निकलेंगे, 20 दांत तो यही हमारे परमानेंट आगे चलकर बन जाएंगे, ठीक है, आगे चलकर यही परमानेंट 20 दांत बन जाएंगे, और जो शेष 12 बनेंगे, 12 और 20 मिलकर जो 32 दांत बनेंगे हमारे, ये 32 दांत ही हमारे क्या कहलाते हैं, परमानेंट टीथ कहलाते हैं, यानी परमानेंट टीथ हमारे 12 से 14 साल के बाद निकलते हैं, ठीक है। एक बार इनका फॉर्मूला देख लेते हैं, इनका जो फॉर्मूला है वो है टेम्परेरी टीथ का फॉर्मूला है, इंसीजर यानी हमारे कृंतक 2x2, हमारे कैनाइन 1x1, प्रीमोलर हमारे 0x0 और मोलर हमारा 2x2। ये केवल हमारे एक हिस्से का फॉर्मूला है, यानी हमारे 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे पाए जाते हैं, ये जो फॉर्मूला है केवल ऊपर वाले हिस्से का फॉर्मूला है, यानी जो दांत निकल कर आए उसमें 2 की गुणा कर देना तो हमारे पूरे मुंह के दांत निकल आएंगे। जैसे कि हमने देखा कि कितने दांत हुए, ये 2 ऊपर 2 नीचे 4, ठीक है ना, 4 दांत। उसके बाद कैनाइन कितने हुए हमारे, 2, ठीक है ना, कितने हुए 2। बात करें प्रीमोलर की तो प्रीमोलर 0, बात करें मोलर की तो मोलर हमारे 4, ठीक है ना। तो हमारे कितने बने ये, तो हमारे बने ये 4 4 8 और 2 10, और 10 में हम 2 की गुणा कर देंगे, यानी ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से के, तो हमारे आ जाएंगे 20। यानी जो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं उनकी संख्या 20 होती है, यानी 10 ऊपर होते हैं और 10 नीचे होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हमारे मुंह में जो टेम्परेरी टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, यानी इंसीजर की संख्या कितनी होती है। तो इंसीजर की संख्या हमारे मुंह में कितनी होती है, तो 4 दूनी 8 होती है, यानी आप इसमें 2 की गुणा कीजिए तो ये आएगा 8, यानी इंसीजर की संख्या 8 होती है। बात करें कैनाइन की तो कैनाइन की संख्या हमारे अंदर 4 होती है। बात करें प्रीमोलर की तो प्रीमोलर हमारे दूध के दांत यानी टेम्परेरी दांत में होते ही नहीं है। बात करें मोलर की तो मोलर की संख्या भी 8 होती है, यानी 8 और 8 16 और 4 20, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि हमारे शरीर में हमारे मुँह में जो टेम्परेरी टीथ होते हैं यानी दूध के दांत होते हैं 20, उनमें हमारे कैनाइन कितने होते हैं, तो कैनाइन हमारे 4 होते हैं, यानी 2 और 1 हिस्सा हो गया 2 और नीचे वाले हिस्से की 2 जोड़ी 4, ठीक है। इंसीजर कितने होते हैं, तो ये कितने, 4 4 दूनी 8 हमारे इंसीजर होते हैं। बात करें प्रीमोलर की तो क्वेश्चन बनेगा कि हमारे मुंह में जो दूध के दांत होते हैं उनमें कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, कौन से, प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। बात करें मोलर कितने होते हैं, तो मोलर भी 8 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमानेंट टीथ की, यानी 32, तो हमें 2 की गुणा कर देनी है जितने हमारे दांत निकल कर आए। ये केवल फॉर्मूला ऊपर वाले हिस्से के लिए है, यदि आपको पूरा फॉर्मूला करना है तो आप सब में 2 की गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितने हुए हमारे, 4 प्लस, ये कितने हुए हमारे, 2 प्लस, ये कितने हुए हमारे, 4 प्लस 6, ठीक है ना। ये कितना निकल कर आया, 6 और 4 10 और 2 12 और 6 4, ये हमारा हुआ 4, ये हमारा हुआ 2 4 2 6 और 4 10 और 6 16, ये हमारे हुए टोटल 16 दांत। 16 में आप 2 की गुणा कर दीजिए क्योंकि दोनों ऊपर नीचे निकालने, तो ये हमारे हुए 32 दांत, कितने, 32 दांत। तो हमारे शरीर में जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 32 होते हैं, यानी 16 ऊपर और 16 नीचे, ठीक है, 16 ऊपर और 16 नीचे। एक और हमारी होती है अक्कल की डाढ़, आपने सुना होगा अक्कल की डाढ़ जो निकलती है। क्वेश्चन बनेगा कि अक्कड़ की डाल हमारी किस उम्र में निकलती है, तो जब हम वयस्क हो जाते हैं 18 साल की उम्र के बाद हमारी अक्कल की डाल निकलती है वयस्क अवस्था में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है।
तो आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे कि परमानेंट टीथ में हमारे कितने इंसीजर होते हैं, तो इंसीजर हमारे 4 × 8 होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं, तो कैनाइन हमारे 2 × 4 होते हैं। बात करें प्री मोलर की, तो प्री मोलर हमारे 4 × 8 होते हैं, और बात करें मोलर की तो 3 × 3 = 12 होते हैं। ठीक है, 12 होते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दांतों से। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा ऊपर वाला जो हमें सफ़ेद हिस्सा दिखाई देता है इसे क्राउन कहते हैं, और क्राउन हमारा डेंटाइन का बना हुआ होता है। ठीक है, जो हमारा नीचे धसा हुआ हिस्सा होता है दांत का मसूड़े में, उसे निक कहते हैं, जो कि हमारे मसूड़े में धसा हुआ होता है। और निक को बांध कर रखने का कार्य कौन करती है, रूट यानी जड़ें करती हैं, जो कि हमारे मसूड़े में पाई जाती हैं। बात करें इसके चारों, हमारे दांत के चारों ओर जो कवरिंग पाई जाती है उसे इनामेल कहते हैं। और ये किसकी बनी हुई होती है, तो ये हमारी इनामेल जो होता है हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, जो कि हमारे दांत की कवरिंग होती है। उसके बाद हमने दांतों के प्रकार पढ़े 4 प्रकार के, कौन कौन से, इंसीजर, कृंतक, कैनाइन, रदनक, प्रीमोलर चवर्णक और मोलर, प्रीमोलर अग्रचवर्णक और मोलर चवर्णक। ठीक है ना, जो हमारे कृंतक होते हैं ये आगे वाले दांत जो कि हमारे कटिंग का कार्य करते हैं, और जो हमारे रदनक होते हैं ये हमारे फाड़ने का कार्य करते हैं, कोने वाले दांत, और जो चवर्णक और अग्रचवर्णक होते हैं हमारे साइड वाले दांत जो होते हैं हमारे, ठीक है ना, ये वाले दांत जो होते हैं चवर्णक और अग्रचवर्णक होते हैं, जो कि हमारे चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में, हमारे मुंह में कितने परमानेंट टीथ पाए जाते हैं, परमानेंट 32, बात करें हमारे टेम्परेरी तो 20 पाए जाते हैं। 20 जो टेम्परेरी दांत हैं वो हमारे 7 महीने से लेकर 2 साल तक के बीच निकलते हैं, और हमारे साथ 12 से लेकर 14 साल तक साथ रहते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। ठीक है, 12 से 14 साल के बाद हमारे 12 दांत और निकलते हैं, क्योंकि 20 दांत हमारे परिपक्व हो जाते हैं जो कि परमानेंट ही बन जाते हैं। तो कितने दांत हुए, 32। तो 12 साल से 14 साल के बाद हमारे 12 दांत और निकलते हैं, टोटल मिलकर बनाते हैं 32 दांत, जिन्हें कहते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, जो हमारा टेम्परेरी टीथ का फॉर्मूला है वो है इंसीजर 2/2, ठीक है, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 0/0 और मोलर 2/2। यानी हमारे मुंह में जो टेम्परेरी टीथ है उसमें कैनाइन कितने पाए जाते हैं, तो 2 × 4 × 8 हमारे कैनाइन पाए जाते हैं। बात करें इंसीजर 8 पाए जाते हैं, कैनाइन की बात करें 4 पाए जाते हैं, प्रीमोलर 1 भी नहीं पाया जाता, मोलर हमारे पास 8 पाए जाते हैं। उसी बात करें हम परमानेंट टीथ में, तो परमानेंट टीथ में हमारे इंसीजर 8 पाए जाते हैं कि 2 ऊपर 2 × 4 × 8, ठीक है ना, कैनाइन हमारे पास 4 पाए जाते हैं, और प्रीमोलर हमारे पास 8 पाए जाते हैं। बात करें मोलर की, तो मोलर हमारे पास 12 पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक था, और यकीन मानिएगा आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए तो कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हैं, क्योंकि PDF की दिक्कत आपको है नहीं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं इस चैनल पर। यहाँ पर कंसेप्ट पर मेन फोकस किया जाता है इस चैनल पर। जो हमारा मेन मकसद है वो है आपके कंसेप्टों को किस प्रकार डेवलप किया जाए, आपकी सोचने की क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जाए, ठीक है, ताकि आप कहीं भी जाएं, कहीं भी पढ़ें, तो आपकी सोचने की क्षमता इतनी बढ़ जाए कि आपकी कैचिंग पावर पकड़ बन जाए, जिससे आप उस टीचर से भी क्वेश्चन कर सकें और अपने साथ वालों से भी क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले सभी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर जो नए हो उसे सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं हार्ट, मानव हार्ट, यानी मानव हार्ट से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे मानव हार्ट के बारे में। ठीक है, आखिरकार कितने चैम्बर होते हैं, लबडब क्या है, स्टेटोस्कोप से क्या नापा जाता है, ठीक है ना, लबडब साउंड क्या होता है, और हमारा अशुद्ध रक्त लेके कौन बहता है, शुद्ध रक्त लेके कौन बहता है, इन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए मानव हार्ट शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना। देखिए, मानव हार्ट जो होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, यानी 4 कमरे होते हैं। कौन कौन से, ऊपर के दोनों कमरों को कहते हैं आलिंद, और नीचे के दोनों कमरों को कहते हैं निलय। यानी ऊपर के 2 हो गए दायां निलय और दायां आलिंद और बायां आलिंद, नीचे के 2 हुए हमारे दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, आइए इनकी क्रिया को देखते हैं। सबसे पहले ये समझिए, जो हमारा खून होता है उसे शुद्ध करने का कार्य, जो हमारा खून होता है उसे शुद्ध करने का कार्य जो होता है वो हमारे हार्ट के पास होता है, वो हमारे फेफड़ों के पास होता है। ठीक है, फेफड़ों के पास होता है, जबकि खून को फिल्टर करने का काम हमारी किडनी का होता है। ठीक है ना, किसका होता है, किडनी का। जो हमारा हृदय होता है वो केवल पंप करने का कार्य करता है, किसको, खून को पंप करने का कार्य करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इतना कार्य होता है हमारे हृदय का। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, सबसे पहले ये समझिए, जो हमारे ये वाले हिस्से होते हैं, यानी हमारा दायां आलिंद और दायां निलय,
दायां आलिंद और दायां निरय, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और हमारी धमनियां शुद्ध रक्त लेके बहती हैं, जबकि हमारी जो सिराएं होती हैं वो अशुद्ध रक्त लेके बहती हैं। हमारी धमनियां शुद्ध रक्त लेके बहती हैं, जबकि हमारी सिराएं अशुद्ध रक्त लेके बहती हैं। यहीं इसका अपोजिट कीजिए, धमनी अशुद्ध रक्त लेके बहती थी, लेकिन पल्मोनरी धमनी हमारी, धमनी जो होगी हमारी, वो कैसा रक्त लेके बहेगी? तो वो हमारा अशुद्ध रक्त लेके बहेगी, जबकि पल्मोनरी सिरा हमारी शुद्ध रक्त लेकर बहेगी। ठीक है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस वाले हिस्से में हमें हमारा हमेशा अशुद्ध रक्त बहेगा और इस वाले हिस्से में हमेशा हमारा शुद्ध रक्त बहेगा, क्योंकि इस वाले हिस्से से ही हमारा पंप मारकर प्रेशर से हमारे शरीर में खून भेजा जाता है। जब हमारे शरीर में खून भेजा जाएगा हृदय के द्वारा, तो वो शुद्ध होना चाहिए ताकि हमारे अंग उसे यूज़ कर सकें। इसीलिए इस वाले हिस्से से हमारा प्रेशर लगाकर खून हमारी बॉडी में भेजा जाता है। यही कारण है कि जो हमारा बायां आलिंद और बायां निलय होता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, जबकि हमारा दायां आलिंद और दायां निलय में हमारा अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी सिरा होती है, ठीक है ना, सिरा हमारी सबसे पहले खून लेकर आती है, किस में डालती है? ले जाकर दाएं आलिंद में। किस में? दाएं आलिंद में जाकर खून डालती है, ठीक है ना, दाएं आलिंद में जाकर खून डालती है। उसके बाद खून हमारा किस में पहुंचता है? उसके बाद हमारा खून प्रेशर की वजह से, आपने देखा होगा इस तरीके से पंप करता हमारा हृदय, ठीक है ना। जब इस तरीके से पंप करता है तो एक प्रेशर मारता है और हमारा खून किस में पहुंच जाता है? तो हमारा खून पहुंच जाता है दाएं निले में। किसमें? दाएं निले में। दाएं निले में खून पहुंचने के बाद अशुद्ध रक्त लेकर कौन आई थी? हमारी सिरा लेकर आई थी, लेकिन यहां से हमारी पल्मोनरी धमनी जो कि हम, वैसे तो हमारी धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त लेकर बैठी है, लेकिन ये वाली धमनी जो है वो अपवाद है, ये वाली धमनी हमारी अशुद्ध रक्त लेकर बहती है। कहां से? तो आपका आंसर होगा हमारा दाएं निलय से। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त लेकर बहती है हमारी कौन सी? पल्मोनरी धमनी, जिसमें क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है ना। अशुद्ध रक्त में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेकर ये फेफड़ों में डाल देती है, ठीक है ना। किसमें डाल देती है? फेफड़ों में डाल देती है। उसके बाद फेफड़े इसे फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं? फेफड़े इसे फिल्टर करते हैं, ठीक है। फिल्टर करने के बाद उन्होंने रक्त को कर दिया शुद्ध। अब फेफड़ों से शुद्ध रक्त को बॉडी में कौन लेकर जाएगा? तो बॉडी में हमारी सिरा लेकर जाएगी। वैसे तो सिरा हमारी अशुद्ध रक्त लेकर बहती है, लेकिन पल्मोनरी सिरा जो कि फेफड़ों से लेकर हमारे हृदय तक क्या लेकर जाती है? शुद्ध रक्त लेकर जाती है, ठीक है ना। तो पल्मोनरी सिरा हमारी ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेकर जाकर किस में डाल देती है? तो बाएं आलिंद में। किस में? बाएं आलिंद में लेकर ले जाकर डाल देती है। बाएं आलिंद से प्रेशर लगता है, पहुंच जाता है बाएं निलय में, और बाएं निलय से हमारी धमनी ले जाकर डालती है रक्त किस में? हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी के अंग उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आप समझिए, जो हमारी धमनी होती है, देखिए, एक तो ये वाली सिरा जिसने सबसे पहले दाएं आलिंद में अपना रक्त डाला, एक तो ये हमारी अशुद्ध रक्त लेकर बहती है, और जो हमारी धमनी है जो कि हमारी बाएं निलय से रक्त ले जाकर हमारी बॉडी में ले जाकर डालती है, ये शुद्ध रक्त लेकर बहती है। बाकी हमारी जो पल्मोनरी धमनी है जो कि दाएं निलय से लेकर रक्त ले जाकर फेफड़ों में डालती है, ये हमारी अशुद्ध रक्त लेकर बहती है, जबकि फेफड़ों से जो हमारे हृदय तक रक्त लेकर आती है शुद्ध रक्त, वो है हमारी पल्मोनरी सिरा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं, एक बार हम उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि पूछा जाएगा कि हमारी धमनी कैसा रक्त लेकर बहती है, तो शुद्ध रक्त लेकर बहती है। सिराएं कैसा रक्त लेकर बहती है, तो अशुद्ध रक्त लेकर बहती है। पल्मोनरी धमनी कैसा रक्त लेकर बहती है, तो पल्मोनरी धमनी हमारी कैसा रक्त लेकर बहती है, तो अशुद्ध रक्त लेकर बहती है। कहां से कहां तक? तो आपको याद रखना है दाएं निलय से लेकर फेफड़ों तक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पल्मोनरी सिरा कैसा रक्त लेकर बहती है, तो शुद्ध रक्त लेकर बहती है। कहां से कहां तक? तो फेफड़ों से लेकर और बाएं आलिंद तक, ठीक है। सिरा हमारी कैसा रक्त लेकर बहती है, तो अशुद्ध रक्त कहां तक? तो हमारी लेकर आती है दाएं आलिंद तक, ठीक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाने हैं, दाएं निलय और दाएं आलिंद से, और पल्मोनरी सिरा पल्मोनरी धमनी से। आइए बात करते हैं अन्य चीजों पर, जैसे कि सिस्टोल क्या होता है।
सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है हृदय का सिकुड़ना। देखिए हृदय इस प्रकार सिकुड़ेगा और फिर प्रेशर मारेगा, उससे क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा और हमारे अंदर का जो ब्लड होगा हृदय में, वो ब्लड प्रेशर मारकर किस में जाएगा, हमारी बॉडी के विभिन्न जो हमारे अंग है उसमें पहुंचेगा। ठीक है, तो जो सिस्टोल होता है उसका मतलब होता है हृदय का सिकुड़ना, जिसे कहते हैं लव साउंड। क्या कहते हैं, लव साउंड। ठीक है, लव साउंड इसे कहा जाता है। बात करें हम किसकी, डायस्टोल की। डायस्टोल का मतलब होता है हृदय का फैलना। क्या होता है, हृदय का फैलना कहलाता है हमारा डायस्टोल, जिसे कहते हैं डव साउंड। क्या कहते हैं, डव साउंड। ठीक है ना, तो लव साउंड और डव साउंड हमारे किससे संबंधित है, तो ये हमारे हृदय से संबंधित है। सिस्टोल का मतलब होता है हृदय का सिकुड़ना और डायस्टोल का मतलब होता है हृदय का फैलना। सिस्टोल का मतलब होता है लव साउंड और डायस्टोल का मतलब होता है डव साउंड। ठीक है ना, लव साउंड और डव साउंड को स्टेथोस्कोप से नापा जाता है। आपने देखा होगा जो डॉक्टर हमारे यहाँ पर सीने पर एक लगाते हैं ना, कानों में डाल के जो चेक करते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है, उससे जो नापते हैं वो हमारा लव साउंड और डव साउंड नापते हैं। ठीक है ना, लव साउंड और डव साउंड नापते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, देखिए जो हमारा दायां आलिंद है ये बायां आलिंद है, ये दायां नीले है ये बायां नीले है, इन दोनों में हमारा कैसा रक्त बहता है, तो इन दोनों में हमारा अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि बायां आलिंद और बायां नीले में हमारा शुद्ध रक्त बहता है। लोअर पीसीएस 2018 में पूछा गया था कि शुद्ध रक्त किन में बहता है, तो ऑप्शन में ये थे, तो आपको याद रखना है बायां आलिंद और बायां नीले में हमारा कैसा रक्त बहता है, तो बायां आलिंद और बायां नीले में हमारा शुद्ध रक्त बहता है, जबकि दायां आलिंद और दायां नीले में हमारा अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, एक और चीज आती है लव साउंड। अगर लव डब साउंड आ रहा है हमारे हृदय से चेक करने पर, लव डब साउंड आ रहा है तो समझिए हम नॉर्मल हैं। यदि हमारे शरीर हमारे हृदय का मुर साउंड आ रहा है, आपने देखा होगा सांस लेते में खर खर की आवाज आती है अंदर से, ठीक है ना, गुनगुनाहट सी आती है, उसे कहते हैं मर्मर साउंड। अगर मर्मर साउंड आ रहा है, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके हृदय में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पूछा जाता है मर्मर साउंड किससे संबंधित है, तो जो हमारा मर्मर साउंड है वो भी हमारा हृदय से संबंधित है। ठीक है ना, और जो हमारा लवडव साउंड है वो भी हमारा हृदय से संबंधित है। लवडव साउंड और मर्मर साउंड दोनों हमारे हृदय से संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपने देखा होगा कि इस प्रकार कभी डॉक्टर देखते हैं कि मशीन लेकर आते हैं, इस प्रकार हमारे हृदय की धड़कनें देखते हैं, और आपने देखा होगा मरीज के सहारे एक टीवी से लगा होता है उसमें आता है, और कभी कभी जब मर जाता है तो एक सीधी लाइन आने लगती है, तो वही मशीन कहलाती है हमारी ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राफ मत लगाना, ग्राम होता है। ठीक है, हमारे धड़कन का ग्राफ बनाना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का काम होता है, ECG का काम होता है। ठीक है, तो ये था हमारा हृदय। एक बार हम अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा, जिससे कि आपको डाउट ना रहे। ठीक है ना, अब उन चीज़ों पर मत जाना कि 72 बार धड़कता है, ये धड़कता है, वो क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। ठीक है, तो आप उन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करें जो चीज़ें एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये चीज़ें सबको पता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आप भी लगाएंगे, 1000 बच्चे लगाएंगे, 1,00,000 बच्चे लगाएंगे, उन क्वेश्चनों पर फोकस कीजिए जिन्हें केवल 1-2% या 10% बच्चे लगा पाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा अशुद्ध रक्त लेकर आती हैं सिराएं। सिराएं हमारा अशुद्ध रक्त लेकर आती हैं, किस में डालती हैं, तो हमारे दाएं आलिंद में डालती हैं। उसके बाद दाएं आलिंद से हमारा रक्त पहुंचता है दाएं नीले में पहुंचता है। दाएं नीले से हमारी पल्मोनरी धमनी, जो कि अशुद्ध रक्त लेकर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेकर पहुंचती है फेफड़ों में, फेफड़ों के द्वारा वो शुद्ध किया जाता है, और यहां से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं आलिंद तक ले जाने का कार्य सिरा करती है। कौन सी, पल्मोनरी सिरा करती है, और ले जाकर हमारे किस में डालती है, तो ले जाकर हमारे बाएं आलिंद में डालती है। बाएं आलिंद से हमारा रक्त पहुंचता है किस में, बाएं नीले में, और बाएं नीले से हमारी धमनी ले जाकर उसे किस में डालती है, हमारी बॉडी में डालती है। ठीक है, और बॉडी में हमारे जितने भी अंग हैं उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सिराएं हमारा अशुद्ध रक्त लेकर बहती है, लेकिन पल्मोनरी सिरा हमारा शुद्ध रक्त लेकर बहती है। धमनी हमारा शुद्ध रक्त लेकर बहती है, लेकिन पल्मोनरी धमनी हमारा अशुद्ध रक्त लेकर बहती है। ठीक है, पल्मोनरी धमनी हमारी कहाँ से कहाँ तक अशुद्ध रक्त लेकर बहती है, तो हमारा दाएं नीले से लेकर फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त लेकर बहती है। कौन सी, पल्मोनरी धमनी। यदि बात करें पल्मोनरी सिरा हमारा कहाँ से कहाँ तक शुद्ध रक्त लेकर बहती है, तो फेफड़ों से लेकर बाएं आलिंद तक हमारा शुद्ध रक्त लेकर बहती है। ठीक है, तो ये थी हमारी हृदय की। और उसके बाद हमने बात की लव डव साउंड। सिस्टोल यानी हृदय का सिकुड़ना सिस्टोल, जिसे लव साउंड कहते हैं। हृदय का फैलना डायस्टोल, जिसे डव साउंड कहते हैं। लव डव को स्टेथोस्कोप से नापा जाता है।
ठीक है। उसके बाद हमने बात की दायां आलिंद और दायां निलय, इन दोनों में अशुद्ध रक्त होता है, जबकि बाएं आलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा हमारे हृदय का ग्राफ बनाया जाता है। उसके बाद हमने बात की लव डव साउंड, यदि चेक करने पर हमारे जो हमारा हृदय उसका लव डव साउंड आ रहा है तो समझ लीजिए कि हम स्वस्थ हैं। यदि मर्मर साउंड आ रहा है, मर्मर का साउंड आ रहा है, MUR मर्मर साउंड, ठीक है ना, यदि मर्मर साउंड आ रहा है समझ लीजिए हम ठीक नहीं है, हमारी कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि हम सांस लेते में साए साए जैसी आवाज़ आती है शरीर के अंदर से, ठीक है, तो वही होता हमारा मर्मर साउंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे हृदय से संबंधित। तो आपको क्या करना है, आज की मास्टर वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट संडे फिर हम 2-3 टॉपिक पर बात कर लेंगे, इसी प्रकार हम पूरी बायोलॉजी को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। संडे के दिन कराने का यही मकसद है, आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, वरना चाहता तो मैं इस चीज़ को 3 वीडियो में भी लेकर आ सकता था, उसका कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है। तो आप मास्टर वीडियो संडे को देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और जो देख रहे हैं वो तो प्लीज़ लाइक जो ज़रूरी करके जाएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक। और रात को लाइव आना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आएँ, जितना यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं उससे दुगनी हम लाइव आकर जो हम लीनियर क्वेश्चन लगा रहे हैं उसमें टेस्ट में मेहनत कर रहे हैं, तो उस टेस्ट को ज़रूर लगाएं, अपनी तैयारी परखें कि हमारी कितनी तैयारी है। दूसरी चीज़, यदि तैयारी नहीं है तो तैयारी करें, अभी बहुत टाइम है, तैयारी करें अच्छे से, बहुत ज़्यादा टाइम है अभी करने के लिए, ठीक है। मिलेंगे संडे को, नेक्स्ट मास्टर वीडियो में जरूर मिलेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कोई अच्छी सी मास्टर वीडियो या फिर हम बायोलॉजी की मास्टर वीडियो ले आएंगे जिससे कि बायोलॉजी हमारी खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप सभी को ऐसे ही प्यार देते रहना है वीडियोज को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप नोट्स को डाउनलोड करके अच्छे से कीजिए रिवीजन। थैंक यू।